BIMT channel. So student, this is a lecture of Managerial Economics for MBA first semester. So today we will discuss about utility. What is utility? It is our topical unit number 1, that is utility analysis. So let's start with utility, meaning of utility. So in the words of Rick John, utility is the quality of a good to satisfy a want. Happy wants to satisfy the degree. Utility means the quality of goods. वो गुड जो एक पर्सन या ह्यूमन बीइंग की वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते. नेक्स्ट द वी कैन से दैट वांट सेटिस्फाइंग ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी. जो भी एक कमोडिटी से वांट सेटिस्फाई होते हैं पर्टिकुलर इंडिविजुअल के या ह्यूमन बीइंग्स के, दैट इज ऑल कॉल्ड यूटिलिटी. व्हाट आर द फीचर्स ऑफ यूटिलिटी? फर्स्ट वन इज यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव. So it is the subjective because it deals with the mental satisfaction of a man. The utility is subjective to hai kyunki ye mental satisfaction of a man par zyada approach karta hai. Jaise medical books are not useful for commerce students. Seedhi si baat hai, agar commerce ka student hai to kisi aur field ki books read karke kya fayda hoga usko? Koi matlab knowledge to badhegi, but for exam ya for course point of views ke liye wo useless. Then utility is relative. How utility is related? Utility of a commodity never remains the same. It varies across the time and space. So utility जो है किसी भी commodity की वो कभी भी same नहीं रहती, वो time and place के according change हो जाती है. अगर आपकी utility आज कुछ और है और समय के साथ same utility नहीं रहेगी, small kid की utility toy होगा या उसको अपने वांट सेटिस्फाई करने के लिए टॉय चाहिए होगा, बट जैसे जैसे आप बड़े होते रहेंगे तो आपकी यूटिलिटी सिर्फ टॉय नहीं होगी, एज और टाइम के साथ या प्लेस और टाइम के साथ वो चेंज होती चली जाएगी. दैट इज कूलर हैज यूटिलिटी इन समर बट नॉट ड्यूरिंग विंटर. सिंपल एग्जांपल दे रखा है कि कूलर की यूटिलिटी समझते हैं, विंटर में कूलर की यूटिलिटी नहीं. दैट यूटिलिटी इज नॉट एसेंशियली यूजफुल. हाउ? अ कमोडिटी हैविंग यूटिलिटी नीड नॉट बी यूजफुल. Liquor and cigarettes are not useful, but to satisfy the wants of an addict, then they get utility for him. So, बहुत बार utility essentially useful नहीं है. जो utility या commodity से हमें अपनी wants satisfy करने को मिलती है, but वो जरूरी नहीं है कि वो एक essential या useful हो. जैसे कि example दे रखा है liquor, that is alcohol and cigarette. ये useful नहीं है, body के लिए भी harmful है, but फिर भी जो लोग इस चीज के एडिक्ट हैं वो अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए इसको कंज्यूम करते हैं. द यूटिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मोरालिटी. यूटिलिटी हैज नथिंग टू डू विद मोरालिटी. एग्जांपल दे रखा है यूज ऑफ ओपियम मिल्क. तो यूटिलिटी का कोई भी कनेक्शन नहीं है मोरालिटी के साथ, जैसे कि लीगल या कोई भी ड्रग्स. सो दीज आर सम ऑफ द फीचर्स ऑफ कैरेक्टर यूटिलिटी. अदर फीचर्स आर यूटिलिटी कैन बी मेजर. तो मास्टर ने बोला है कि यूटिलिटी मेजर की जा सकती है यूटिल्स में. यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं हम यूटिल्स में. एज पर मार्शल यूटिलिटी टू टाइप्स की होती है, कार्डिनल यूटिलिटी एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी. तो मेजर करने वाली यूटिलिटी होती है कार्डिनल यूटिलिटी. देन यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ वॉन्ट. कितनी इंटेंसिटी आपने उस पर्टिकुलर कमोडिटी से अपनी वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करने की, ऊपर पूरी यूटिलिटी डिपेंड करती है. जैसे अ वांट व्हिच इज अनसेटिस्फाइड एंड ग्रेटली इंटेंस विद इंप्लाई अ हाई यूटिलिटी फॉर कमोडिटी कंसर्न टू अ पर्सन. द नेक्स्ट इज यूटिलिटी इज कंसर्न विद कंज्यूमर गुड्स नॉट विद प्रोडक्टिव गुड्स. हमेशा यूटिलिटी कंज्यूमर गुड्स से कंसर्न होगी, नॉट विद प्रोडक्टिव गुड्स. एग्जांपल, अच्छा इन रेस्टोरेंट प्रोडक्टिव गुड्स does not give direct satisfaction to customers at home. तो एक रेस्टोरेंट है जिसमें प्रोडक्टिव गुड्स प्रोड्यूस हो रही है, वो डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकता कस्टमर्स को. कि अगर एट होम रेस्टोरेंट की फीलिंग रेस्टोरेंट में जाके आएगी, घर की फीलिंग घर में ही आएगी. तो दिस इज ऑल्सो द पर्सन थिंग दैट यूटिलिटी हमेशा ही कंज्यूमर गुड्स से कंसर्न होगी, प्रोडक्टिव गुड्स से नहीं होगी. देन यूटिलिटी हैज नो फिजिकल शेप. It is psychological concept and differs from person to person, place to place, and time to time. Utility का कोई physical shape नहीं है, इस तरीके की utility.
हमारे दिमाग में चलने वाला हमारी इमेजिनेशन हमारी सोच कि मेरे को अब ये वांट सेटिस्फाई करनी है, अब नेक्स्ट में ये वांट सेटिस्फाई होगी तो मुझे ये वांट सेटिस्फाई करनी है, दैट इज लिमिटेड। तो ये एक फिजिकल शिफ्ट नहीं है, इट इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट और पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस और टाइम टू टाइम डिफर करती है। आपकी यूटिलिटी कुछ और हो सकती है, मेरी यूटिलिटी कुछ और हो सकती है, डिपेंड करता है प्लेस टू प्लेस, पर्सन टू पर्सन एंड टाइम टू टाइम। Then utility does not depend on actual consumption. Actual हमने कितना consumption किया? Utility is super dependent नहीं है। The utility starts the moment when the consumer thinks of buying a commodity and the satisfaction is derived after consumption of the commodity. So utility कब start होती है? उस time start होती है जब particular consumer सोचता है कि मुझे ये commodity खरीदनी है और अपनी satisfaction को उससे कंजम्पशन करने से सेटिस्फाई करना है अपनी वांट्स को। तो दैट इज यूटिलिटी डज नॉट डिपेंड ऑन एक्चुअल कंजम्पशन। एक्चुअल कंजम्पशन करने के बाद ही यूटिलिटी हमारी पूरी होगी? नहीं, ये तो सोचने से, जब से हमने सोचना शुरू किया कि हमारी नेक्स्ट वांट ये है, यूटिलिटी वहीं से स्टार्ट हो जाती है। यूटिलिटी की कुछ अजम्पशंस है, जैसे कि पहली अजम्पशन है रैशनल कंज्यूमर, कंजम्पशन से वो एक्सप्लिसिटली मेजर किया जाएगा।
hypothetical measure है न्यूटन, then total utility क्या है? It is the sum total of utility derived from the consumption of all units of the community. Utility क्या है? Sum total of all the utilities जो भी हमने consumption करके derive करी हैं, उन सब उन सारी units का sum total जो है particular community का, उसको हम total utility बोलते हैं. Then what is the other one? That is MU, marginal utility. Marginal utility क्या है? Marginal means change. So examples to that is additional utility. Marginal का मतलब होता है change या कुछ addition करना, additional unit. तो वो marginal utility क्या है? It refers to the additional utility obtained due to the consumption of an addition unit of a community. तो additional utility हमें कितनी मिली? एक यूनिट और ऐड करने से दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी. तो कमोडिटी की यूनिट्स ऐड करने से एडिशनल हमें क्या सेटिस्फेक्शन या यूटिलिटी मिली? दैट ऑल कम्स अंडर मार्जिनल यूटिलिटी. सो द चेंज इन टोटल यूटिलिटी, ये जो चेंज है ग्राइंडर छोटा सा, इसको चेंज बोलते हैं. चेंज इन टीयू, टीयू इज टोटल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम वन एडिशनल यूनिट ऑफ कंजम्पशन ऑफ चेंज इन एक्स कमोडिटी. तो जितना भी हमने पर्टिकुलर कमोडिटी का कंजम्पशन किया, तो एमयू का फॉर्मूला हो सकता है चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइड बाय चेंज इन एक्स कमोडिटी, या टीयूएन नंबर ऑफ कमोडिटीज यू यूज्ड और टोटल यूटिलिटी एन माइनस 1. दिस विल बी द फॉर्मूला. यहां पे मार्जिनल यूटिलिटी को बता रखा है. मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है. ध्यान से सुने, मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव और इट मे बी जीरो आल्सो. तो यहां पे एक टेबल दिखा रखा है, उसमें दिखाया है कि कैसे पॉजिटिव है या जीरो कैसे होती है या नेगेटिव कैसे होती है. हमने यहां पे थ्री कॉलम्स बनाए हैं, आइसक्रीम कंज्यूम्ड, एक टोटल यूटिलिटी एक्स कमोडिटी की और एक मार्जिनल यूटिलिटी एक्स कमोडिटी. तो हमने यहां पे आइसक्रीम कंज्यूम्ड का बनाया ऊपर. तो ये है आइसक्रीम कंज्यूम्ड, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल. तो हमने आइसक्रीम कितनी कंज्यूम की है? टोटल 6 आइसक्रीम्स हमने कंज्यूम की है. 1 2 3 4 5 6 आइसक्रीम्स ये कंज्यूम, और हर आइसक्रीम से मिलने वाली टोटल यूटिलिटी और हर आइसक्रीम से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी. तो जब हमने 1 आइसक्रीम कंज्यूम की तो टोटल यूटिलिटी 20 है, मार्जिनल यूटिलिटी भी 20 है. सेकंड आइसक्रीम पे टोटल यूटिलिटी 36 है, मार्जिनल यूटिलिटी. थर्ड आइसक्रीम पे टोटल यूटिलिटी 46 है और मार्जिनल यूटिलिटी 10 है. फोर्थ आइसक्रीम कंज्यूम करने पर टोटल यूटिलिटी 50 है और मार्जिनल यूटिलिटी 4 है. फिफ्थ आइसक्रीम कंज्यूम करने पे टोटल यूटिलिटी 50 है और मार्जिनल यूटिलिटी 0 है. इसी पर सिक्स आइसक्रीम कंज्यूम करने पर टोटल यूटिलिटी 44 है और मार्जिनल यूटिलिटी -6 है. तो ये जो चार्ट है ये दिखा रहा है जैसे जैसे आइसक्रीम का कंजम्पशन बढ़ रहा है टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है. आपको सम एक्सटेंड फिफ्थ आइसक्रीम कंजम्पशन का टोटल यूटिलिटी 4 और 5 पे कांस्टेंट है और सिक्स्थ आइसक्रीम कंज्यूम पर टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है. बट अगर हम मार्जिनल यूटिलिटी की बात करें तो जैसे जैसे आइसक्रीम का कंजम्पशन बढ़ रहा है वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी पहले पे तो 20 थी, बट जैसे जैसे हम एक एक यूनिट आइसक्रीम की एडिशन करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, एडिशनल यूनिट बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे हमारी हर आइसक्रीम की पर मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती है. बट फोर्थ आइसक्रीम कंजम्पशन पर मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है, फिफ्थ आइसक्रीम कंजम्पशन पर आकर मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गई और सिक्स्थ आइसक्रीम कंजम्पशन पर मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो गई, क्योंकि हर इंसान की एक कैपेसिटी है कि कितनी यूटिलिटी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को कंज्यूम कर सकता है. तो दिस इज द चार्ट. इसी को ही समझा रखा है यहाँ पे. फर्स्ट कॉलम शोइंग यूनिट ऑफ कमोडिटी, यहाँ पे कॉलम दिखा रखी है. उसके बाद थर्ड कॉलम पे टेबल शो कर रखा है मार्जिनल यूटिलिटी का. तो ये सारी चीजें जो मैंने भी आपको टेबल में समझाई है वो यहाँ पे आपके नोट्स में मेंशन की हुई है कि जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा एडिशनल यूनिट जैसे जैसे इंक्रीज होगी वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव से 0 और फिर 0 के बाद नेगेटिव होती चले जाएगी. रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, तो TU और MU का रिलेशनशिप दिखा रखा है. TU इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट सो लॉन्ग एज मार्जिनल यूटिलिटी इज पॉजिटिव. जो ऊपर चार्ट दे रखा है इस चार्ट में देखिए जहां तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है, पॉजिटिव कहां तक है? 4 तक, उसके बाद
जीरो। तो वहां तक देखिए टोटल यूटिलिटी भी इंक्रीज हो रही है, इंक्रीजिंग रेट पे, 20 से 20 से 36, 36 से 46, 46 से 50, तो टोटल यूटिलिटी वहां तक इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज हो रही है जहां तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव। इसके बाद नेक्स्ट रिलेशनशिप है, टोटल यूटिलिटी बिकम्स मैक्सिमम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो, जहां तक मार्जिनल यूटिलिटी जीरो है। कंजम्पशन पर मार्जिनल यूटिलिटी जीरो है तो वहां पर टोटल यूटिलिटी हमने मैक्सिमम पर 50, उसके बाद वो डिक्रीज हो गया, तो टोटल यूटिलिटी वहां पर मैक्सिमम पर है जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी जीरो है, ये रिलेशनशिप शो कर रहा है। देन टोटल यूटिलिटी स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव, जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होगी, मार्जिनल यूटिलिटी 6 पॉइंट पे -6 है, तो टोटल यूटिलिटी भी डिक्लाइन होगी, तब यहाँ से जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव जाएगी उस टाइम पे टोटल यूटिलिटी भी डिक्लाइन होना शुरू कर देगी। ये रिलेशनशिप है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का जो हमें याद रखना है। तो हमने जो चार्ट का टेबल देखा उसी के हिसाब से ये सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन की है कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का रिलेशनशिप क्या है। Then, significance of the difference between total utility and marginal utility. Total utility or marginal utility का difference क्या है? Paradox of value or the damage. Water paradox, total utility of water is more and marginal utility of damage is more. एक paradox दिखा रखा है damage का, जहाँ पे ये बता रखा है कि जो total utility water की है वो ज्यादा है marginal utility of damage से. Value rises according to marginal utility. So this is all for today and thank you, have a nice day.